दोस्तों हम रोडवेज पे हैं और देख सकते हैं लाइट ना होने के कारण कितनी ज़्यादा अंधेरापन दिख रहा है आपको। काफ़ी पूरा रोडवेज एकदम सन्नाटे में है और आज 4 दिन हो गया है जो बांसी में लाइट नहीं आया है और ऐसा ही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। विद्युत विभाग में शायद हड़ताल चल रहा है, इसी कारण पूरे शहर और हर ज़िले में यही समस्या उत्पन्न हुई है। तो भैया देख सकते हैं कौन तरीके खाली मोटरसाइकिल के लाइट आपके दिखत है और बाकी सब अंधेरा अंधेरा। देखल जाए बांसी के सबसे बड़ी दुकान सरदार के खाली वो चमकता है और बाकी सब सन्नाटा ही सन्नाटा। ये सरदार वस्त्रालय हो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होला तो लाइट वगैरह सब एकदम बढ़िया रहा। अब हम चली थे मेला वाले रोड पे तो देखो भैया काफ़ी अंधेरा है। खजूर वजूर के पेड़ सब लगा है लेकिन पूरा VIP सिटी है फिर भी बहुत अंधेरा है। और आगे चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको। काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई है 4 दिन से। सभी लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ है और जिसके पास सोलर है या फिर इन्वर्टर है तो उनका चार्ज हो जा रहा है या जनरेटर से फिर चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं भाई लोग अंधेरे में जा रहे हैं सभी लोग। और यह 7:30 बजे का वीडियो है, काफ़ी अंधेरा चारों तरफ है। देख सकते हैं ये राजेंद्र नगर है और पीछे इंदिरा नगर था। राजेंद्र नगर का ये चौक है, देखिए काफ़ी अंधेरा है। यही सिर्फ गाड़ियों का लाइट है और बाकी सब तो एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पर आगे एक ATM है, दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए एक ATM है, वो चालू है शायद, तब देखिए कैसे चालू हो गया है। और बाकी ATM में तो बंद है लाइट ना होने के कारण। और देख सकते हैं बस जा रहा है, बगल से एक गाड़ी भी निकल रही है, निकल चुकी। और आगे चलते हैं आपको बांसी का माहौल दिखाते हैं। यहाँ बगल में एक सखी फूड करके है जहाँ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और VIP दुकान है, काफ़ी बड़ा शोरूम टाइप दुकान है। अब आगे चलते हैं मेन रोडवेज चौराहे पे। यह पहुँचने वाले हैं मेन रोडवेज चौराहे पे, वहाँ पर भी आपको सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो बस कुछ ही सेकंड में पहुँचने वाले हैं मेन रोडवेज चौराहे पे। दोस्तों देखिए हम मेन रोडवेज चौराहे पे पहुँच चुके हैं। एक बीच में आपको काफ़ी लंबा खम्बा दिख रहा होगा जो पूरा लाइट वाला है, पूरा बांसी को लाइट देता है। काफ़ी ज़्यादा उसकी रोशनी है, कम से कम 100 फीट के ऊपर उसका लाइट लगा है। देख सकते हैं रोडवेज का माहौल है, भीड़ भाड़ तो काफ़ी है लेकिन काफ़ी अंधेरा है। देखिए चारों तरफ सिर्फ मोटरसाइकिलों का ही लाइट दिख रहा है और पोल में लाइट कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार लाइट कटने के कारण बांसी की दुर्गति है और ऐसे 4 दिनों से है। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर एक ब्लॉग बना दिया जाए, हो सकता है आपके सपोर्ट से यह वीडियो वायरल हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लंबा हम सफर तय कर चुके हैं, पूरे रोडवेज का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए मार्ग सीधे बस्ती जाता है और बस्ती उस्ती हर जगह लाइट नहीं है। हम आज गए थे खलीलाबाद, वहाँ भी लाइट नहीं था। तो हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर आमिर प्लाजा, शुकर प्लाजा करके है, सब अंधेरे में है। बड़ी बड़ी सिटी प्लाजा हैं, सब बंद हैं। मोबाइल की दुकान है, यह देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग हाजी मकसूद बिल्डिंग है, वो भी बंद है। अब हम चल रहे हैं, यह रोड गोरखपुर वाला रोड है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम ब्लॉक के पास पहुँचने वाले हैं, वहाँ भी सन्नाटा है। हम ब्लॉक पर पहुँच गए हैं, हमारे बाएँ साइड में ब्लॉक है, वहाँ भी सन्नाटा है। यह रोड तो और काला अंधेरापन दिखाई दे रहा है। तो भैया देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा कायम हो गया है, अब सिर्फ शक्तिमान का ज़रूरत है। पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, पूरा रोड सन्नाटे में है। लाइट ना होने के कारण पुराना ज़माना देखने को मिल जा रहा है। ऐसे 2003-04 में आपको यहाँ देखने को मिलता, क्योंकि जब दिन पहली लाइट हो जाता था पूरी रात ऐसे ही आपको देखने की मिलती थी। और गांव में तो हमेशा अंधेरा ही रहता था क्योंकि वहां लाइट की सुविधा नहीं थी। अभी 2004 का 3 का जैसे 2 का इस तरह का सीन दिख रहा है। 2002-03 में चारों तरफ अंधेरा रहता था क्योंकि लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन अब तो हर जगह लाइट की व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल योगी सरकार पता नहीं क्यों लाइट नहीं दे रही है। अब या तो कर्मचारी लोग हड़ताल किए हैं, इसी कारण तो शायद लाइट नहीं आ रही है, देख सकते हैं। अब हम सीईओ ऑफिस के मार्ग पर जाने वाले हैं, यहाँ से 100 मीटर दूर पर सीईओ ऑफिस है। हम तिराहे पे आ गए हैं, गोल चक्कर है ये। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो पहुँचेंगे खलीलाबाद। अब हम जा रहे हैं मंगल बाजार वाले रोड पे, देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट है दाहिने साइड में हमारे, और बगल में काफ़ी बड़ा बगीचा है, देख सकते हैं। ये भी रोड पूरा सन्नाटे में है, हम पूरे बांसी का आपको ब्लॉग बनाकर दिखा रहे हैं। और हमारे वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक वॉच करिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। एक तरह का मानिए तो यह एक यादगार वीडियो रहेगा कि 4 दिन 5 दिन लाइट नहीं आया, बहुत बड़ी बात हो गई। और आगे आने वाले समय में लाइट 24 घंटा रहेगा, तो यह सीन देखने के लिए लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए यह वीडियो बना रहे हैं। तो भैया आ गए हैं सीईओ ऑफिस पे, देखिए यहाँ लाइट है, यहाँ आबकारी विभाग भी है, काफ़ी बड़ा गोदाम है, दारू शराब यहाँ मिलता है। यहाँ देख सकते हैं यह सीईओ ऑफिस है, और पीछे एडीएम ऑफिस था, देखिए सीईओ ऑफिस यह है। अब और आगे जा रहे हैं मंगल बाज़ार, बस 100 मीटर पर मंगल बाज़ार है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ भी लगता है। यह देख सकते हैं मंगल बाज़ार आने वाला है, ये PWD ऑफिस है, यहाँ से लेकर कम से कम लंबा है और आगे तक जाएंगे PWD ऑफिस है, PWD जो रोड निर्माण का काम कराते हैं। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का क्या माहौल है। मंगल बाज़ार के मोड़ पर पहुंच गए हैं, यहाँ देख सकते हैं ये मेन सिटी की नाक है, तो देख सकते हैं मंगल बाज़ार से आगे निकलने वाले हैं। यहाँ आगे एक बाबा वस्त्र भंडार करके है, और जो रोडवेज पे एक सरदार जी का दुकान है, यह मंगल मोड़ है, सरदार का दुकान है, और उनका एक दुकान यहाँ है दाहिने साइड पे, और यहाँ बाएं साइड पे बाबा वस्त्र भंडार है, जो अभी 2-3 साल हुआ है खुले। देख सकते हैं मेन सिटी है, मान लीजिए मेन सिटी है, वहाँ एक रवि मोबाइल करके दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोहा मंडी की तरफ जाते हैं, लोहा मंडी जहाँ पर लोहे की हर एक आइटम मिल जाएगी आपको, और काफ़ी बड़ी लोहा मंडी है। और अंदर जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं लोहा मंडी में आ गए हैं, काफ़ी दूर तक अंधेरा है, बहुत दूर तक है, लोहा मंडी से क्रॉस कर रहे हैं और चलते हुए दिखा रहे हैं आपको। लोहा मंडी में कुछ लाइटें दिख रही हैं, एक पोल पे लाइट दिख रही है, और काफ़ी पतला गली टाइप है, तो लेकिन बहुत ही अंधेरा है, यहाँ भी अंधेरा हो जाएगा, देखिए अंधेरा हो गया क्योंकि एक लाइट था भाई और वो भी बुझ गया, अब पूरी गली में लाइट नहीं है। देखिए कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं, और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बहुत दूर तक कुछ नहीं है। अभी आपको हम आगे लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर एक मंदिर है टेकधर बाबा, जो टेकधर के शायद कहते हैं कि मर गए थे, इसी वजह से वह टेकधर बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। यहाँ से 20 मीटर के बाद टेकधर बाबा मंदिर है, देखिए हम राइट लेफ्ट लिए हैं, ये देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा मिठाई का दुकान है, देखिए टेकधर बाबा मंदिर है। और आगे चलना है, अभी राजा साहब का एक बहुत पुराना महल है, देख सकते हैं राजवाड़ा महल, बहुत पुराना था, मिश्रा इस्टेट के नाम है शायद, इसे महामाया मैरिज हॉल के नाम से जाना जाता है, ये उसी का दीवाल है, काफ़ी ऊंची दीवाल है, देख सकते हैं। फिर मार्केट में हम लोग आ गए हैं, और हम किसड़ा मार्केट में आ गए हैं, और आगे जाएंगे तो पुरानी हाल पड़ेगी, यहाँ से आगे से दाहिने जब मुड़ेंगे तो 100 मीटर पर पुरानी हाल है, जो उर्वशी पैलेस के नाम से मशहूर थी। अब इस पर वह अब जितनी भी मैरिज हाल हैं वो सिर्फ शादी हाल, पहले जो हाल था सिनेमा हाल वो शादी हाल के में तब्दील हो गए हैं। तो देखिए थोड़े दूर पे सिनेमा हाल था, जो अब यहाँ शादी हाल में तब्दील हो गया है, यहाँ से 20 मीटर पर है बाएँ तरफ। तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आगे तक सब उर्वशी पैलेस था, देखिए ये उर्वशी पैलेस है,
अंदर अंधेरा है इसीलिए दिख नहीं रहा है। 10-12 मिनट का हमारा वीडियो हो गया दोस्तों, और वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाएगा भैया, इसी कारण बंद कर रहे हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत।